हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानूस मैजिक किचन। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम चंपारण का मशहूर चिकन अहुना बनाएंगे, जो एक हांडी बनता है और बिहार से है। इसके लिए हम 400 ग्राम चिकन लेंगे, 2 कटी हुई प्याज, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, आधा चम्मच हम हल्दी लेंगे, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम अजवाइन, सौंफ और जीरा के सीड्स लेंगे, 3 से 4 हम लौंग लेंगे, 1 सिमम स्टिक, 1 स्टार एनिस, 1 पूरा समूचा लहसुन लेंगे, 7-8 हम पेपरकॉर्न काली मिर्च लेंगे, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार और 2 हरी कश्मीरी मिर्च लेंगे, और साथ में 100 ml लगभग मिस्टर्ड ऑयल लेंगे सरसों का तेल। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वॉइस वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा छोटी मोटी गलतियों के लिए। आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। पहले एक बड़ी प्लेट में चिकन ले लेंगे सारे, फिर उसके बाद एक एक करके सारे आइटम्स ऐड कर लेंगे। ये डिश सिर्फ मैं 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी ली है। अगर आप 2 से ज़्यादा लोगों के लिए बनाते हैं तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल को डालने से पहले मैंने इसको गर्म कर लिया था, ठंडा होने पे ही मैंने इसको मिक्स किया है इसके साथ, और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने डिटेल रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई है, तो आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं इनके से मैंने कुछ मिस किया हो तो। अगर आपको तीखा खाने का शौकीन है तो आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं 2 से 3, या फिर नॉर्मल रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मिर्च इतना तीखा नहीं होता है। हम इसमें जिंजर भी ऐड करेंगे, लगभग 5 ग्राम चॉप जिंजर, जो मैं पहले भूल गया था, उसके लिए सॉरी। हांडी में चिकन डालने से पहले हांडी को हम प्री हीट कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल से, उसके बाद हम मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। ध्यान रखिएगा, जब उसमें चिकन पीसेस ऐड करें तो उसको स्प्रेड करके डालेंगे, एक ही जगह डालेंगे तो गैप आता है और फिर चिकन कुक कायदे से नहीं होगा। तो चिकन पूरा स्टफ हो जाए तो हम आखिरी में इसको 1 टीस्पून घी डाल देंगे, फिर उसके बाद हम मटके को सील करेंगे। लीड को हम अच्छी तरह से सील करेंगे ताकि कहीं से भी एयर बाहर निकले ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। हम इसको गैस पे बनाएंगे, अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयला भी बना सकते हैं। गैस से बनाने में आप याद रखिएगा कि आपको इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम मत रखिएगा, नहीं तो नीचे जल जाएगा पूरा। और बीच बीच में बहुत ज़रूरी है इसको टॉस करना ताकि ये नीचे लगे ना। टॉस करते हुए ध्यान दीजिए कि आप जब इसको होल्ड करते हो उसको आप सेंटर से होल्ड करिएगा, ऊपर से होल्ड मत करिएगा। अगर आप हांडी को ऊपर से पकड़ के टॉस करते हैं तो जो नीचे के पोर्शन से वो टॉस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप बेटर है कि आप उसको सेंटर से ही पकड़ के टॉस करें। हम इसको गैस पे 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे, जब टाइम हो जाए हम गैस ऑफ कर देंगे, तुरंत ओपन नहीं करेंगे, थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद ओपन करेंगे हम। हमारा अहुना चिकन अब रेडी है। गार्निश के लिए हम धनिया पत्ती यूज़ करेंगे, और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ऐड करना है तो आप पानी डालकर थोड़ा सा इसको गर्म कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई करिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, इससे मुझे और इम्प्रूवमेंट मिलेगा।